तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टैग्स, वीडियो के टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को परमानेंटली सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब को क्रोम ब्राउज़र पे ओपन कर लीजिए आप लोग। मैं भी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रोम ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब सर्च कर लिया मैंने, उसको ओपन होने देते हैं। तो ओपन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ओपन हो रहा है। तो मेरा नेट बहुत स्लो है, तो आप लोग जानते ही होंगे मेरा नेट बहुत स्लो है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपने लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर साइड में आपके लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर जाना है। यहाँ पर नीचे यूट्यूब स्टूडियो, इसके ऊपर जाना है। सॉरी, मेरा वीडियो ओपन हो गया। आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। के बाद यूट्यूब स्टूडियो को ओपन होने देते हैं। पहले ओपन हो जाओ, नेट यहाँ मेरा बहुत ही स्लो है यहाँ पर। तो देख सकते हो ओपन हो गया है मेरा। तो यहाँ पर आपको अब नीचे सेटिंग्स पे जाना है, एकदम नीचे। आप लोग देख सकते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा करके। यहाँ पर एकदम नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग्स के बटन पे जाना है। यहाँ पर नीचे सेटिंग्स, ये ऊपर वाला है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर आपको टैप करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। इसके आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट, यहाँ पर उसके बाद बेसिक इन्फो, यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, विजिबिलिटी, सब यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हैं। तो अगर आप सेट करके यहाँ पर सेव कर देंगे तो वो आपके हर एक वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके टाइम की भी बचत होगी। उसके बाद आपको वाइट स्टूडियो पे जाकर, उसके बाद आपको वाइट स्टूडियो में जाकर फिर से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब टैग्स और टाइटल तो सेट करनी होगी क्योंकि अलग अलग वीडियो होगा वो। तो आप लोग जो मेन चीज़ है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, वो सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव का बटन दिख रहा होगा, नीचे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर नीचे आपका सेव के बटन पर क्लिक करते ही आपका सेव हो जाएगा। तो देख सकते, यही बताना था आप लोगों को। बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को पता भी नहीं है, यही बताना था आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।